फर्स्ट ऑफ ऑल सेकुलरिज्म वॉज एडॉप्टेड बाई इंडिया आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज एडेड देन एंड वी ट्रीट एज ए सेकुलर कंट्री. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म मीन्स वेन स्टेट और गवर्नमेंट हैज नो एनी पर्टिकुलर रीजन, देर इज नो एनी रिलीजन ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज द बेसिक नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज एडेड इन आवर प्रीएम्बल एंड नाउ वी विल डिस्कस इट डीप. Moving ahead, the meaning of secularism. Here you can see, students, that secularism refers to the belief that religion should not be involved in the organization of a society. Students, secularism का मतलब हिंदी में जो वर्ड होता है इसका कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर इसको कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी समाज किसी भी धर्म के आधार पर नहीं बनेगा. ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी पर्टिकुलर रीजन. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट किसी भी तरह के पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी. इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट. इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और इसीलिए हम सभी रिलीजन को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करते हैं. किसी भी एक रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करने का कोई भी चांस नहीं है. आ कंट्री Neither favor any particular religion, nor does it discriminate against any religion. ना ही हम किसी धर्म के प्रति वो पक्षपात करते हैं और ना किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है हमारे कंट्री में, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो ज़्यादा माना जाएगा या उसको गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता. इन शॉर्ट, सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. इवन रिलीजन हैज़ फ्रीडम टू ग्रो एंड प्रॉस्पर इन इंडिया. यहाँ पर रिलीजन को स्टेट या गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग रखा गया है. यहाँ पर रिलीजन एक अलग एस्पेक्ट में अपना प्रॉस्पर कर सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है. रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए पूरी फ्रीडम है, हमें इक्वलिटी फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी में पूरे राइट दिए गए हैं. इसी तरह यहाँ पर हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में ये दिया गया है कि हम अपने रिलीजन को से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा. द राइट्स प्रोटेक्ट अस एज सिटीजन अगेंस्ट मिस यूज ऑफ द स्टेट पावर एंड tyranny of the majority committees. In this way we see that the ideas of secularism and religion, freedom for all, get translated into fundamental rights. और हमें यहाँ पर किसी भी मेजॉरिटी भले ही दूसरे रिलीजन की हो, लेकिन किसी भी तरह से माइनॉरिटी या अदर रिलीजन के लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है रिलीजन के बेस पर. Now here we'll discuss what is the need for secularism. इस secularism की ज़रूरत क्या है. It is important to separate religion from the state. धर्म को यहाँ पर administration से या government से अलग करने की ज़रूरत है. पहला, secularism is important for a country to function democratically. अगर हम democracy हैं तो democracy में all people have right to say. So If we are giving right to all the people, we have to follow secularism. जब हम सभी लोगों को सभी इंडिविजुअल राइट दे रहे हैं तो वहाँ पर सेकुलरिज्म ऑटोमेटिक हमें फॉलो ही करना पड़ेगा. Almost every country in the world has more than one religious group. From the among these groups, one group may be in majority. It is the if this majority religious group has access to state power,
it may misuse the power and financial resources to discriminate against the persons of the religious groups. स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऐसे वर्ल्ड में सभी कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ग्रुप ज़्यादा मेजोरिटी में है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा तो वो रिलीजियस ग्रुप उस माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन या अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगेगा। सो स्टूडेंट्स हर गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर हम इसको सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत सारे पर्टिकुलर रिलीजियस ओरिएंटेड कंट्रीज होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान को ले लें, ये मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं फॉलो किया जाता। यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं या अदर कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं कहीं उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन जैसी कंडीशन ज़रूर आ जाती है। सो स्टूडेंट्स इफ वी डिस्कस द पर्टिकुलर फॉर इंडिया, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट एंड देर इज़ नो एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप ओवर द गवर्नमेंट। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन मे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स एंड ए डेमोक्रेटिक कंट्री गारंटी टू इट्स सिटीजन। एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉमिस किया जाता है वो फंडामेंटल राइट्स को किया जाता है, और वहाँ पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकते वेदर इट इज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री टू बी सेकुलर बिकॉज इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम दियर रिलीजन। यहाँ पर अगर एक माइनॉरिटी ग्रुप है या कोई अदर रिलीजन का पर इंडिविजुअल है या सोसाइटी है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसको प्रोटेक्ट करें डेमोक्रेटिक कंट्री की, ताकि वो अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकें। ऐसा ना हो कि उसको मेजॉरिटी ग्रुप इन्फ्लुएंस करें और उसको कन्वर्जन कराने पर मजबूर किया जाए। नाउ वी आर मूविंग टू द इंडियन सेकुलरिज्म विच इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द इट्स आइडियल डिफिनेशन। ऑल्दो द टर्म सेकुलरिज्म वॉज इंसर्टेड इन प्रीएम्बल इन 1976, ये ओरिजिनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रीएम्बल में शामिल किया गया। स्टूडेंट्स सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग दैट इट वॉज एडेड इन आवर प्रीएम्बल इन 1976, दैट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 42वां संशोधन था इसमें। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर एंड रिलीजन। इन फैक्ट द फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी इन कंट्री लाइक इंडिया वुड बी बिल्ड ओनली ऑन द सेकुलर बेसिस। जैसा कि हमारा कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पर फोकस करता है, तो वहाँ पर इस तरह से कहीं पर भी सेकुलर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने जैसी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर ऑलरेडी ये फॉलो किया जाता है कि सभी रिलीजन इक्वल है। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय एंश्योरिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारा कंट्री, हमारा संविधान ये बिलीव करता है कि केवल सेकुलर होकर के हम कुछ उद्देश्य को पा सकते हैं। ये कौन से हैं? वन, रिलीजियस कम्युनिटीज डज नॉट डोमिनेट अनदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री। कभी भी एक रिलीजियस ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर एक रिलीजन का ग्रुप जो है अगर बड़े ही मेजॉरिटी में हो और वो दूसरे के ऊपर हावी होने लगे। सम मेंबर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। एंड हियर स्टूडेंट्स कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस कम्युनिटी के अंदर भी कई डिवाइडेशन होते हैं, जैसे वैष्णव होते हैं हिंदुओं में और शैव होते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, मुस्लिम में भी शिया सुन्नी अलग अलग। तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर ही जो डिवीज़न होते हैं वो भी कोई एक पर्टिकुलर जो डिवीज़न है, मान लीजिए कोई एक रिलीजन है उसमें ए बी दो डिवीज़न है, तो ए ग्रुप बी ग्रुप के ऊपर भी इसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स
State does not enforce any particular religion, nor does it take any take away the religious freedom of individual. सरकार किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये इन्फोर्स नहीं करेगी कि वो उसको उसकी फ्रीडम को छीने. वहाँ पर किसी की भी फ्रीडम को या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए फ्रीडम की रिलीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. आवर कंट्री प्रिवेंट्स द एबव मेंशनड डोमिनेशन इन द फॉलोइंग वेज. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. इट डज नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. हमारा जो कंट्री है यहाँ पर गवर्नमेंट में किसी भी तरह से रिलीजन को शामिल नहीं किया गया है. रिलीजन का कोई भी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट की रनिंग पर या एक्टिविटीज पर नहीं होता. ओके, देर इज़ अ पब्लिक हॉलीडे फॉर ईच इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल. यहाँ पर हमने सभी धर्मों को इक्वल स्टेटस दिया है, इसलिए हम अगर पब्लिक हॉलीडेज किए जाते हैं तो वो हर रिलीजन के जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उसके इक्वली किया जाता है. ऐसा नहीं कि केवल हम किसी एक ही रिलीजन की फेस्टिवल के ऊपर छुट्टी करें और अदर रिलीजन पर नहीं. हम सभी रिलीजन के जो फेस्टिवल्स होते हैं या इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनको पब्लिक हॉलीडेज अनाउंस किया जाता है. इंडिया आल्सो अडॉप्ट्स ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजन्स. हियर इंडियन सेकुलरिज्म इज ऑल्सो डिफरेंट इन दिस सेंस दैट इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इन द प्रोपागेशन और प्रैक्टिस ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप. किसी भी धर्म की वो कैसे माने, उनकी कैसे क्या है, उस ग्रुप के अंदर उसको किसी भी तरह के इंटरफियर नहीं किया जाएगा. वो अपने रिलीजन को फॉलो करने अपने तरीके से फॉलो करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे आप देखिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए हैं, सभी के लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स आ जाते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाता है. जैसे ट्रैफिक पे चलने के लिए आपको हेलमेट की रिक्वायरमेंट होती है. हर रिलीजन चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सभी को उसको पहनना होगा. लेकिन जैसे सिख टर्बन पहनते हैं, पूरी पगड़ी पहनते हैं, तो सिख लोगों को हेलमेट पहनने से एग्जेम्पशन दिया गया है. वो उनको फोर्स नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि आप पहने ही पहने, ठीक है, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं उनके लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल होगा. सो स्टूडेंट्स नाउ मूविंग अहेड द स्टेट अडॉप्ट्स ए स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन मेंशन्ड अर्लियर. अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफियर भी कर सकती है, क्योंकि जब कंट्री की बात आएगी, कंट्री की किसी भी तरह की मान लीजिए असुविधा हो रही है या किसी भी तरह का मॉरल वैल्यू वहाँ पे वायलेट हो रही है, फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर रिलीजन के मामले में भी इंटरफियर करेगी. आप बहुत ही रिसेंट एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 3 तलाक का इशू था, तो वो महिलाओं के फंडामेंटल राइट पर वायलेट कर रहा था, इसलिए उस पर गवर्नमेंट ने तुरंत क्वेश्चन किया. वो उनका प्राइवेसी का मैटर ना होके वो महिलाओं के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो गया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप अनटचेबिलिटी को फॉलो करते थे, उसको गवर्नमेंट ने तुरंत बैन कर दिया, क्योंकि अनटचेबिलिटी किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्राइवेट प्रैक्टिस ना होकर के वो ह्यूमन बीइंग का एट लार्ज उसको वो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को. इट बिलीव्स दैट अनटचेबिलिटी वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द लोअर कास्ट हिंदूज. बहुत सारे हिंदूज जो थे उनको उनका ये वायलेशन हो रहा था. स्टूडेंट्स सेम वे वी विल डिस्कस द मेनी डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म. सो इट इज़ ऑल अबाउट टूडे. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.